लास्ट फेब्रुआरी एंड नमस्ते टू एवरीवन। सो आज मेरे खाने पे है वांगटेन। सो ये वांगटेन है, वांगटेन सूप ही होता है देखिए। और इस पे हम लोग मोमो ही डालते हैं, पर डिजाइन इस तरीके से होता है गोल वाले। यहाँ पे एक मिनट, इस तरीके से होता है ये मोमो होता है, और मोमो सूप में होता है। इसको सूप पका के, पहले सूप पकाते हैं हम लोग, उसको बॉयल करते हैं, सूप को अच्छी तरीके से बॉयल होने देते हैं, और उसके बाद ठीक सूप बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग मोमो बना के सूप में डायरेक्टली डाल देते हैं, और इसको हम लोग वांगटेन बोलते हैं, वांगटेन। सो आज मैंने वांगटेन लेके आई हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा चटनी है, और यस इतना ही है। कोई भी मेरा चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला, र यति भन्दै पनि स्टार्ट गर्नेछु है। एन्ड प्लिज सपोर्ट मी है, मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला अझै है। तपाईँहरूको माया त धेरै नै पाइरहेको छु है, अझै अझै पनि पाउँछु होला भन्ने आशा चाहिँ छ है। र यति भन्दै म स्टार्ट गर्नेछु। और ये भी मेरा माँ ने ही बनाया है, क्योंकि दार्जिलिंग से आया है घूमने के लिए यहाँ पे। माँ लोग हर विंटर में आता है, मैंने जनवरी के टाइम में आता ही है। इस बार भी आया हुआ है। और सो यस, हाँ लेट्स डिग इन। और ये मेरा फर्स्ट बाइट। वाह, क्या मीठा बनाया सुने, दामी पास। और ये ठंड की मौसम पे खाने में इतना मजा आता है। और इसका मोमो का साइज बड़ा बड़ा है, तो मुंह में नहीं आ रहे, वो इतना अच्छा हुआ है। और हम लोग ये ठंड की मौसम पे खाते हैं। चटनी, तो मीठा भाई सर आम। वाह, ठंड की मौसम पे ये मिल जाए बात ही और होता है। और इसका रेसिपी मैंने आज नहीं लेके आई, मैं बाद में लेके आऊंगी, क्योंकि माने जल्दी बना दिया था। मैंने रेसिपी डालने के लिए बोला था, पर उस माने माँ भूल गई और उसने जल्दी ही बना दिया, तो इसलिए सिर्फ मुकबांग ही लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जरूर इसका रेसिपी लेके आऊंगी वांगटेन का। वो क्या मीठा बस नहीं, दामी बस तर वांगटेन चाहिँ। आमालाई चाहिँ मैले म रेसिपी बनाउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ, बिर्सिजानु भएछ अनि रेसिपी हाल्नै सकिनँ। वा राम्रो भन्यो, राम्रो भयो। सूप भी इसका इतना अच्छा हुआ है, वाह।
और इसको ना, आपको बता दूं एक बात, ये झोल मोमो नहीं है, ठीक है, ये वोंगतेन है और ये सूप में ही बनाते हैं। झोल मोमो दूसरा होता है और वोंगतेन दूसरा होता है। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है कोई कोई, क्योंकि किसी ने शायद कोई कोई तो शायद झोल मोमो खाया होगा। यहाँ दिल्ली में मिलता है एमटी में, और इसलिए मैंने बताया है। दमी बस नहीं, ना अच्छा हुआ है। ठुल ठुल बनाए दिन बस के। वाह, सेटिस भएन हाम्रो। ओहो सॉरी, ठ्याङ्ग ठुलो हुन्छ। माई लास्ट बाइट। ठुलो ठुलो मोमो जस्तो बनाएर हालिदिनु भएको थियो कि, ड्याम्मै भयो हाम्रो स्याटिस भयो नि। इतना अच्छा हुआ था वोंगतेन। ये ठंड के मौसम पे इतना अच्छी तरीके से जाता है ये वोंगतेन। और ये चिकन वोंगतेन है, चिकन वोंगतेन था, भूल गई मैं वो आगे बोलने में, मैंने आगे बोलना चाहिए था चिकन वोंगतेन है बोल के, मैंने भूल गया था। यस, ये चिकन वोंगतेन था। इतना अच्छा हुआ था, माँ ने इतना अच्छी तरीके से बनाया था। आई रियली एंजॉयड माई फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी मेरा मुकबांग वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय।